हे गाइस एंड वेलकम बैक टू द पोकेमोन प्लैटिनम, जहाँ पर दोस्तों पिछली बार वी कॉट दी क्रिजेल हियर गाइस। सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू आर लेजेंडरी हंटिंग। सो व्हाई आई एम हियर इन द माउंट कॉर्नेट, आप देख सकते हो हम यहाँ पर माउंट कॉर्नेट पे है बिकॉज गाइस टुडे वी आर गोइंग टू गेट दी दोज टू आइटम्स हियर। तो आपको पता ही होगा मैंने पिछली बार जब आया था ना यहाँ पर मुझे वाटरफॉल का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन गाइस वी नाउ वी हैव दी वाटरफॉल, सो नाउ वी कैन क्लाइम दी वाटर एरिया। तो बिकॉज यहाँ पर हमें एक दो आइटम्स मिलने वाले हैं, जबकि आप यहाँ पर थंबनेल में दोस्तों देखा ही होगा। तो चलो गाइस यार, सो नाउ वी विल गो टू गेट दोज आइटम। सो तो चलो गाइस यार, यहाँ पर हम चले जाते हैं अभी। तो ओके, यहाँ पर आपके सबसे पहला हमें यहाँ पर आइटम मिल चुका है जो कि है एडमंट ऑब, एंड द नेक्स्ट वन इज दी लस्टरस ऑब। सो चलो गाइस यार, सो नाउ वी विल गो। ओके, यहाँ पर एक यहाँ पर एक पत्थर भी है, वो भी देख कर आ जाता हूँ मैं। ओके, तो वी फाउंड दिस स्टोन प्लेट। ओके, इज अ टेक्स्ट एंग्रेव द थ्री बींग्स वर बाउंड टू बाइंड टाइम एंड स्पेस। ओके, ये क्या था, थ्री बींग्स फ्रॉम बाउंड टाइम एंड स्पेस, इसकी कोई रिडल थी क्या ये? याद नहीं आ रहा मुझे इस रिडल का मुझे क्या मतलब है, मुझे अब तक समझ नहीं आया। सो चलो गाइस यार, एंड गाइस आई एम सो सॉरी, मैंने अपना थंबनेल और टाइटल भी दोस्तों अलग डाल दिया था, क्योंकि मैंने वीडियो एक अलग डाल दी थी एंड गाइस थंबनेल मैंने अलग डाल दिया, सो माफ़ कर देना। चलो कोई बात नहीं, हम आज की वाली वीडियो दोस्तों हम पकड़ने वाले हैं। अभी तो मैंने चेंज कर दिया हूँ, थोड़ा सा दोस्तों टाइम लग गया था उसे, आधा घंटा, मतलब कि अब तक ऑलमोस्ट आधा घंटा हो चुका है वो वीडियो एयर हो चुकी थी। एंड गाइस सो सॉरी फॉर दैट, आई एम रियल एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने क्लिपगेट मतलब कि मुझे इस्तेमाल करना भी नहीं था, मैंने गलती से वो किया। सो चलो गाइस, वी आर इन दी कैनल सिटी। ओके, तो चलो गाइस यहाँ पर दिस केव पेंटिंग इज ऑलवेज आई वेंट डिस्क्राइब दिस वे, द लाइट इन द सेंटर रिप्रेजेंट आइदर डियालगा और पालकिया अपीयरिंग एट द स्फीयर पिलर। ओके, देयर आर थ्री लाइट्स अराउंड, इट वर थॉट टू बी यूजी मिस्क्रिट एंड एजल्फ। मे आई कंटिन्यू? यस, वाई नॉट, बट देन आई रियलाइज दैट देयर मे बी अनदर वे ऑफ इंटरप्रेटिंग दिस। कुड इट द ट्राइंगल ऑफ द लाइट्स एक्चुअली रिप्रेजेंट अ डिफरेंट ट्रियो? कुड दे बी डियालगा, पालकिया एंड गिराटिना इंस्टेड? एंड द लार्ज लाइट एट देयर सेंटर, डज इट रिप्रेजेंट समथिंग एल्स? Could it what created this world of ours? May I continue for a little bit of longer? Yes, क्यों पूछ रही है यार तू? Thank you for listening to my theory. Do you know observation planes they find all over Sino? One of them had this engraved on it. Two beings of time and space set free from the original one. I think this quote too points to the presence of another one. A Pokemon even more powerful than Dialga. और पालकिया, डज दैट साउंड प्लॉजिबल टू यू? आई एम नॉट क्वाइट श्योर हाउ गिराटिना फिट्स इन टू द स्कीम ऑफ थिंग्स, बट इट सेड दैट द डिस्टॉर्शन वर्ल्ड नेदर टाइम ऑफ स्पेस वॉज स्टेबल। आई थिंक दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट गिराटिना, द ओनली पोकेमॉन देयर, इट मस्ट हैव बीन एज पावरफुल एज डियालगा एंड पालकिया, द रूलर्स ऑफ टाइम एंड स्पेस इन सम वे। द तो Giratina has the power of opposite of theirs. I'm sorry this long. May I say one last bit? Yes. A long time ago, I wonder what sort of person painted this. Adialgard's roar of time, Palkia's special rend. To people back then, those Pokemon really must have appeared to rule over time and space, seeing they must have shaken the people to their very core. This painting represents those feelings of awe, wonder and everything else. It passed that memory to countless people, eventually becoming a myth. That's what I believe as a researcher of myths. I think I let myself to carry it away and talk for too long. I'm sorry and thank you. Let's meet again. ओके बाय सिंथिया। उसकी सिंथिया की थ्योरी थोड़ी सी अजीब थी, मतलब कि डियाल और पालकिया के बीच थी इसकी थियरी, एंड गिराटिना भी था उसमें। चलो यार, यहाँ पर हम अभी चलते हैं हमारे आगे के सफ़र की तरफ। तो चलो गाइस यार, तो नाउ वी विल गो टू, हम यहाँ पर एक और थोड़ी सी रिसर्च करेंगे डियाल और पालकिया के बारे में। तो चलो गाइस यार, अभी हम थोड़ा सा
रिसर्च की ओर चले जाते हैं। ओके गाइज, वी आर इन द सेलेस्टिक टाउन अगेन। सो अब हम जाएंगे एक लाइब्रेरी में। वो कहाँ पर है? शायद हमें उसके दादी से भी बात करनी है। यहाँ पर है क्या? नहीं, हाँ ये शायद हो सकती है ये लाइब्रेरी। लाइब्रेरी में से कुछ तो घर हो सकता है। ओके वेल हेलो हेलो गुड, आई डिड सम रिसर्च ऑफ माय ओन इन दैट स्पॉट ऑफ ट्रबल लास्ट टाइम। माउंट कॉर्नेट्स अफेक्टिंग मी हैव कंसर्न टू। वेल दिस इज व्हाट आई फाउंड इन दिस रीन। इट्स अ बुक एंड इट्स क्वाइट ओल्ड। लेट मी रीड बिट फॉर यू। द बेयर ऑफ द शाइनी एडमंट ऑफ समोन्स रियल का टू द स्पीयर पिलर। द गार्डियन पोकेमोन ऑफ टाइम विल आंसर द कॉल। द बेयर ऑफ द शाइनिंग लस्टर ऑफ समोन्स पालकिया टू द स्पीयर पिलर। द पोकेमोन दैट फाइंड्स दिस स्पेशल डिमेंशन विल आंसर द कॉल। इट सीम्स द पीपल ऑफ लॉन्ग अगो मेट बोथ डियलगा एंड पालकिया द पोकेमोन ऑफ टाइम एंड स्पेस। ओके तो चलो गाइस, यार यहाँ पर हम चले जाते हैं। ओके जब बोल के व्हेन द पोकेमोन वाज बोर्न इंटेलिजेंट ब्लूम अमंग अस एनरिचिंग आवर लाइव्स। व्हेन दैट पोकेमोन वाज बोर्न इमोशन ब्लूम अमंग अस गिविंग अस सोर्स ऑफ जॉय। व्हेन दैट पोकेमोन वाज बोर्न विल पावर ब्लूम अस अमंग अस। ओके सो चलो गाइस यार, यहाँ पर हम भी चले जाते हैं। तो चलो गाइस यार, वी आर इन दी स्पीयर पिलर एट द स्टार्टिंग इट, बिकॉज गाइस फाइनली वी आर गोइंग टू कैच दोज पोकेमोन। हमारे पास एडमंड रॉक भी है एंड लस्टरस ऑफ भी है। यहाँ पर नाउ गाइज वी आर गोइंग टू कैच दोज पोकेमोन। सो वी आर इन द स्पीयर पिलर, सो लेट्स गो टू कैच देम राइट नाउ। सो चलो गाइज यार, चलते हैं अभी हम आगे की तरफ। सो लेट्स गो। ओके गाइज, यहाँ पर एक आ चुका है। चलो गाइज यार, बिना किसी तरीके हम चलते हैं। ऑन द अदर साइड ऑफ रिफ्ट इट्स अ फैंटास्टिकली बिजार प्लेस। एंड अगेन इट्स डियलगा। विल यू चैलेंज डियलगा? यस, व्हाई नॉट। यस गाइज, डू द गेम वर्सेस डियलगा। सो लेट्स गो टू कैच द डियलगा विद द मास्टर बॉल। गाइज हमें यहाँ पर देर तो लगने नहीं वाली, हम यहाँ पर जल्दी से डियलगा को पकड़ लेंगे। तो चलो गाइज यार, लेवल 70, लेवल 70 का डियलगा। वाओ, अगर इसमें टीम को आपने ऐड कर दूँ तो क्या बात होगी यार। मजा आएगा पूरा टीम में। डियलगा को हम लेवल 70 के डियलगा को हम ऐड कर लेंगे। तो चलो गाइस यार, ये सक्सेसफुली कॉट दी फर्स्ट लेजेंडरी पोकेमोन ऑफ टुडेज एपिसोड। ओके हिज डेटा वाज एडेड टू द पोकेडेक्स। लेजेंडरी पोकेमोन ऑफ सिनो, इट सेड दैट द टाइम फ्लोज व्हेन डियलगास हार्ट बीट्स। ओके स्टील एंड ड्रैगन टाइप पोकेमोन। तो चलो गाइस यार, यहाँ पर हम नेक्स्ट पोकेमोन को पकड़ने के लिए जाते हैं। ओके ये यहाँ पर आया नहीं आई थिंक, एंड मुझे फिर से अंदर बाहर करना होगा। एक बार मैं अंदर जाकर बाहर आ जाता हूँ गाइज, तब मैं आपसे मिलता हूँ। ओके गाइज, यहाँ पर आपको सिर्फ अंदर बाहर करना था। एंड येस यू विल फाइंड द अनदर डिमेंशन ऑन द अदर साइड ऑफ द रिफ्ट द इंटरेस्टिंगली बिजार प्लेस इट्स पालकिया। डिड यू वॉन्ट टू चैलेंज पालकिया? येस Yes guys, here we go through the game versus the Palkia. Yes guys, so let's go to catch the Palkia with our master ball again. Chalo guys yaar, aaj hamara is level 70 ka Palkia hai ye bhi. Okay, exerting his pressure. Chalo yahan par hum master ball ka istemal kar lete hain. As soon as possible, we have successfully gotcha the Palkia. The Palkia was caught. So chalo guys yaar. So now we will okay his data was added to the Pokedex. So chalo guys yaar, legendary Pokemon of Sinnoh, it said that the stress become more stable with the Palkia. Yes guys, actually was nahi jo bhi aap video pasand kiya hai, pasand hai to like kar dena video ka. Agar chahe pa nahi ho so subscribe kar dena. I'm going to show you guys in the next episode. Tab tak ke liye goodbye.